कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं 1008 श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर आरके कॉलोनी भीलवाड़ा राजस्थान। नीति हमें सिखाती है कि अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। आपके पास पैसा हो, अच्छा चेहरा हो, अच्छा घर हो, अच्छा मकान हो, अच्छी दुकान हो, अच्छे रिश्तेदार हो, गाड़ी हो, सब कुछ हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर अच्छा व्यक्तित्व नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। सबसे पहला पुरुषार्थ अपन को अपने व्यक्तित्व और अपने चारित्र के निर्माण का करना चाहिए, क्योंकि आपकी पहचान आपके घर, दुकान, मकान, पैसे से नहीं, आपकी पहचान आपके व्यक्तित्व से। बड़े बड़े ऐसे लोग हो चुके जिनके पास पैसा नहीं था लेकिन जिनका नाम पूरे विश्व में है। आप देख लो, एक मदर टेरेसा करके लेडी हुई, उसके पास पैसा थोड़ा ना था, उसके पास व्यक्तित्व था। जो जितने भी जैनाचार हुए हैं पूर्व में, इनके पास पैसा थोड़ा था, इनके पास व्यक्तित्व था। तो आपकी कीमत आपके पैसे से नहीं है, आपकी कीमत आपके व्यक्तित्व से है। और जितना बड़ा, जितना गहरा, जितना गंभीर आपका व्यक्तित्व होगा, उतनी बड़ी आपकी पहचान होगी। अगर आप मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हैं तो अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें, क्योंकि जिंदा रहते हुए कई लोग मरे हुए हैं, मरकर भी कई लोग जिंदा है। आपका नंबर, नाम किस श्रेणी में आता है इसका विचार करना। और वो जो आपके व्यक्तित्व का निर्माण है वो आपके स्वभाव से होता है, कि आप काइंड नेचर के हैं, हेल्पफुल हैं कि नहीं, कि कनिंग है। कई लोग बहुत चालाक होते हैं, दूसरों को ठग लेते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो है वो ज्यादा दिन तक उनकी पूछ परख नहीं होगी और ना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए नहीं जी रहा, वो केवल अपने लाभ के लिए जी रहा है। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सबके लिए जीता है और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने लिए जीता है, ये दोनों ठीक है, लेकिन वो जो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ के लिए जी रहा है, वो बस सेल्फिश है। आज की नीति कह रही है कि दूसरों को खुशी देकर और दूसरों की मदद करके, दूसरों की मदद करके, दूसरों को खुशी देकर के, दया और खुश मिजाजी के साथ इस जीवन को व्यतीत करना चाहिए। जो जीवन चल रहा है ना, ये जीवन व्यतीत कैसे करें? सबसे पहली बात, ये जीवन व्यतीत कैसे करें? सबसे पहली बात, दूसरों की मदद करके। आप अगर दूसरों की मदद करके जीवन व्यतीत करोगे, लोग आपको जाने के बाद भी याद रखेंगे। और अगर आपने इस जीवन में किसी को दुख दिया है, तकलीफ दी है, लोग कभी आपको याद नहीं करेंगे। आप कितने कुछ कर लो, लोग याद नहीं करेंगे आपको। क्यों? अरे, जो दुख देता है उसके प्रति किसी की प्रीति नहीं होती। आप ऐसी बिस्किट, एक ब्रेड का टुकड़ा लेते हो, रोटी का टुकड़ा लेते हो, तो गली में घूमने वाली गाय हो या कोई और भी जानवर हो, वो पूंछ हिलाते हिलाते आपके पास आता कि नहीं? कैसे आ जाता है वो, और क्यों आ जाता है वो? वो जो गली के में घूमने वाला जानवर है, वो क्यों आ जाता है, कैसे आ जाता है? उसको मालूम है कि ये हमारे लिए कुछ दे रहे हैं। जब आपको उसको मालूम चलता है कि कुछ दे रहे हैं, तो उसकी आपके प्रति प्रीति होती है। तो दूसरों की मदद करके इस जीवन को व्यतीत करें। दूसरी बात, दूसरों को दुख दे करके नहीं, दूसरों को खुशी दे करके। अगर आप दूसरों के लिए खुशी का मौका उपस्थित करते हैं, क्या आपका व्यक्तित्व होगा? दूसरों को खुशी देकर के आप जीवन व्यतीत करें। कई लोगों का काम होता है वो खुशी छीन लेना, मतलब वो संपत्ति तो ले ही लेते हैं, धीरे से उसकी खुशी भी ले लेते हैं। कैसी खुशी? अगर माना कि किसी ने नई गाड़ी ली, रात को घर के बाहर खड़ी की गई, कुछ नहीं, स्क्रैच मार के चले गए, एक बहुत बड़ा सा पत्थर था वो गाड़ी के बम्पर में फेंक के चले गए। क्यों? बस कि वो दुखी रहे, वो दुखी रहे। तो अगर आप दूसरों को खुशी देना जानते हैं, तो आप एक बात ध्यान रखना कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद जरूर करेंगे। जीते जी कितने लोगों ने याद किया है, बड़ी बात नहीं। जाने के बाद कितने लोगों के दिल में हो, वो बहुत बड़ी बात है। राम आज नहीं है, महावीर भगवान भी आज नहीं है,
कृष्ण भी आज नहीं है, लेकिन वो नहीं है लेकिन है। मुझे नहीं लगता कि जितना राम नाम, जितना नाम राम का लिया जाता हो उतना और किसी का लिया जाता होगा, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो। क्यों? उनके अंदर एक गुण था, वो दूसरे को खुशी देते थे, दूसरों की मदद करते थे, दया से भीगे रहते थे, भीगे। सीता का हरण हो चुका है, सीता को ढूंढना है, लेकिन जब जटायु को मरता देखा तो वहीं रुक गए। नहीं नहीं, अभी वर्तमान की परिस्थिति जो है वो जटायु की मदद की है, उसके ऊपर दया करने की है, रुक करके नमोकार सुनाया, संबोधन दिया। ऐसा नेचर, ऐसा स्वभाव बनाइए, ऐसा व्यक्तित्व बनाइए। करते हम उल्टा है तो मिलेगा सीधा कैसे? आप उल्टा करोगे तो उल्टा ही मिलेगा ना। आपको चाहिए है संपत्ति, यश, नाम, मन भर, और आप कर नहीं रहे काम तनक भर, तो कैसे मिलेगा? कई नेता भारत में ऐसे भी हैं जो एक बार सीट पर आया और दोबारा वो कभी उस सीट से हटे नहीं, और हर चुनाव में उनको टिकट मिलती है, पैसा भी खर्च नहीं करता, जीतता ही है। क्यों? क्योंकि वो सबकी मदद करता है ना। नेता काम क्या है? प्रजा पालक होता है नेता, प्रजा नाशक नहीं होता नेता। तो नेता जो होते हैं वो मदद करते हैं, तो मदद करते तो उनको चाहते हैं फिर, तो आप दया से युक्त भी रहें और विशेष बात खुश मिजाजी रहें। कोई अगर टेढ़ा व्यक्ति फंस जाए तो भी खुश रहें। आप जितना प्रसन्न रहेंगे, जितना खुश रहेंगे लोग, ये मेरा अनुभव है कि लोग आपको उतना चाहेंगे। इंग्लिश में कहते हैं स्माइलिंग फेस इज अ विनिंग फेस, अट्रैक्टिव फेस। तो आप खुश रहना सीखें। कई लोग रहते हैं वो हमेशा उदास रहते हैं, तो उनके जो चेहरे की डिजाइन रहती है वो यूं रहती है। और कई लोग रहते हैं वो खुश भी जाते, उनकी चेहरे की डिजाइन यूं रहती है। अब आपके चेहरे की डिजाइन क्या है? अगर ये आपके चेहरे की डिजाइन है तो लोग आपको पसंद करेंगे, और अगर इसकी उल्टी है तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो दुखी होता है वो दुख देता है, जो सुखी होता है वो सुख देता है। अगर आप दुखी रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? खुश होना प्रारंभ करें। आज की नीति बड़ी गंभीर है, खुश मिजाजी होना चाहिए। जब भी कोई आपसे मिले बोले यार उससे मिलके तो मजा आ गया यार। क्यों? बोले मैं तो अपना दुख भूल गया। लोग हमसे कहते हैं कई बार कि आपके पास आओ तो ना प्रश्न याद रहते हैं ना दुख। क्यों नहीं रहते हैं याद? क्यों नहीं रहते हैं याद? उनको पता है इनके पास आओ तो दुखी नहीं है तो दुख नहीं देंगे, खुश हैं, सुखी हैं तो सुख देंगे और खुशी देंगे। इसलिए खुश मिजाजी होना बहुत आवश्यक है। व्यक्ति को समझाना भी आवश्यक है, दंड देना पड़े तो दंड देना भी आवश्यक है, लेकिन दुखी नहीं होना, खुश मिजाजी रहना। एक बहुत पहले फिल्म आई थी मुन्ना भाई, उसका एक चित्र मुझे आज भी याद है। वो फोन करके कहता है कि मेरे ऊपर वाला जो घर के ऊपर आदमी रहता है उसको मेरे घर के बाहर थूकने की इच्छा होती है। तो सलाह क्या मिलती है उसको कि थैंक यू बोलो और हाथ जोड़ो। वो हर दिन बोले वो थूके, उसी के सामने वो साफ करे, बोले थैंक यू, खुश में जाज होकर के। 7 दिन बाद वो कहता है वो तो कुछ सुधर ही नहीं रहा, बोले धैर्य रखो परिवर्तन आएगा। जो खुश में जाजी जीव रहते ना उनकी भावना जाती है, ट्रांसफर होती है। 7वें दिन वो आदमी जो थूकता था उसके द्वार पर पान, वो कहते हैं भाई साहब सॉरी, क्षमा कर दीजिए। जो खुश मिजाजी रहते हैं ना, बहुत सारे लोगों को देखना वो रेकी करते हैं, तो जो खुश मिजाजी होते हैं वही रेकी कर पाते, हर कोई नहीं कर पाता। स्वयं खुश मिजाजी रहो और दूसरे को भी खुश रखना सीखो। आपके पति की उम्र कई कई वर्ष बढ़ जाएगी, नहीं तो मंगल सूत्र की जगह गले में काली खाली चेन आने में देर नहीं लगेगी। खुश मिजाजी रहें। आप जितना खुश मिजाज रहेंगे उतना आपके जीवन में आनंद बनेगा। मैं ये कहता हूं कि अगर आप अनलिमिटेड आनंद चाहते हैं, कितना अनलिमिटेड आनंद चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अनलिमिटेड खुश रहना पड़ेगा। लोग आके पूछें कि आप गाल दुखते तो नहीं गई, आप इतना मुस्कुराते रहते हो, इतनी हंसी कहां से लाते हो? आप इतना मुस्कुराते हो, लोग आपसे पूछे जले बस, लेकिन वो फूहड़पना ना हो, अभद्रता ना हो, खुश रहे।
स्मित स्मित, जो चेहरे में मुस्कान हो वो स्मित स्मित हो। संस्कृत में स्मित का मतलब होता है हल्की हल्की। हमसे एक 2013 में एक माँ ने पूछ लिया, बोले महाराज जी एक बात पूछे। हमने कहा हूं। बोले आपके ये दुखते नहीं है ना? क्यों? बोले आप दिन भर मुस्कुराते हो, प्रवचन में तो, क्लास में तो, जंगल जाओ तो, आहार में तो, आप बड़े खुश रहते हो। तो हमने कहा क्या करें, खुश रहने में तकलीफ है। आप जितना खुश मिजाजी रहेंगे उतना बड़ा आपका व्यक्तित्व बनेगा। आपसे छोटा व्यक्ति भी अगर आपको गाली दे करके जाता है तो भी आपको खुश रहना चाहिए, ठीक है। और अगर अगर कोई बड़ा व्यक्ति, बहुत बड़ा व्यक्ति आपके ऊपर गलत टिप्पणी भी कर दे तो भी खुश रहना चाहिए। क्यों? अब अपन बड़े हो गए हैं। राम को श्री राम बनाने वाला कोई था तो वो रावण था। रावण ने उनके व्यक्तित्व को बहुत ऊंचा उठा दिया। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा शत्रु होता है, प्रतिपक्षी होता है, जीत भी उतनी बड़ी होती है। अगर भारत कोई मैच खेल रहा है क्रिकेट का और कीनिया जिम्बाब्वे से जीत जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, वो बड़ी टीम से जीते, वो बड़ी बड़े अंतर से जीते तो बहुत बड़ी बात है। बस इतना ही तो समझना अपन को, खुश मिजाजी रहे। अगर किसी व्यक्ति ने आपके लिए कुछ गलत कह दिया, डबल खुश हो जाओ, क्योंकि वो आपकी खुशियों में दुखी हो रहा है। आपको उसको दुख नहीं देना है, सिर्फ आपको खुश रहना है। ऐसे अपने जीवन को व्यतीत करना है। और अब विशेष बात कह रहा हूं, आप कब तक इस दुनिया में हो कोई नहीं जानता। आप जानते हो, मैं जानता हूं, कोई नहीं जानता। आप कब तक इस दुनिया में हो कोई नहीं जानता। कल का कोई भरोसा नहीं है, जो करना है आज कर लो। आप कब तक इस दुनिया में हो कोई नहीं जानता। अगर कोई ज्योतिषी बोले कि मैं जानता हूं, उस ज्योतिषी को नहीं पता कि वो कब जाने वाला है। इसलिए आप कब तक इस दुनिया में हैं कोई नहीं जानता। कल का कोई भरोसा नहीं, जो करना है आज कर लो। जो करना है आज कर लो, कल हो ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचते रह जाएं और समय का पहिया आगे बढ़ता चला जाए, फिर बाद में पछतावा हो, अरे यार ऐसा कर लिया। किसी ने अच्छी बात कही कि जिंदगी, ये जिंदगी मिली आपको, जीवन मिला है, कुल्फी की तरह है। जीवन जो है कुल्फी की तरह है, इसको टेस्ट करो या वेस्ट, आपके हाथ में है। पिघलेगी, जमीन में गिरेगी, मुख में गिरा लो या जमीन में, ये आपके हाथ में है। तो आपको अपना समय कैसा व्यतीत करना है, आने वाला भविष्य कैसा चाहिए आपको, वैसा आज जी लो। आने वाला भविष्य अगर आपको खुश प्रसन्न चित्त के साथ चाहिए, वैसा चालू कर दो। और आने वाला जीवन अगर आपको दुखी दुखी चाहिए तो दुखी रहना प्रारंभ करो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति आपको दुख दे सकता है। दुखी होना ना होना ये हमारे हाथ में। ठंडी का मौसम आ गया है, अब दिगंबर मुंडा जैसे ही निर्वस्त्र विहार करते हैं तो ठंडी हवा आपको दुख देने आएगी, दुखी होने का नहीं। लोग आपके लिए बुरा कहेंगे, दुखी होने का नहीं। राम कभी दुखी नहीं हुए। इसलिए जब भी आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो कि आपसे बड़ा, आपसे ताकतवर, आपसे ज्यादा ज्ञानी आपके लिए कुछ कह दे, दुखी मत होना। समझ लेना, ऊंचाइयों के दिन आने वाले। क्योंकि बड़ा व्यक्ति छोटे के लिए बोल रहा है, इसका मतलब छोटे में कुछ है। एक वो सफेद बॉल के पीछे पूरे 11 खिलाड़ी भागते हैं, ऐसा क्यों? उसमें कुछ तो है। बॉल भले छोटी सी हो लेकिन कीमत उसी की है। अगर आपका व्यक्तित्व छोटा था और बड़े लोग आपके ऊपर बोल रहे हैं, कोई आपके बड़े बड़े शत्रु हो रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत बड़े व्यक्ति बनने वाले हो। उनके अंदर आपको बाधा करने की ताकत है नहीं, लेकिन कर रहे। वो चाहते हैं कि आप दुखी हो, तुम पीछे हट जाओ। बिल्कुल नहीं होना। मेरा तो ये मानना है कि जैसे कोई दो लोग रेस में दौड़ रहे हैं और एक व्यक्ति आगे चल रहा है, वो जो आगे चल रहा है वो जीतेगा, पक्की बात है कि वो जीतेगा। तो पीछे वाला उसको गाली दे देता है, जैसे पीछे वाले ने उसको गाली दी
पीछे मुड़ के वो देखा तब तक वो आगे निकल गया। गलत है, गलत है। खुश मिजाजी रहो, तुम तो और तेज दौड़ो। जब जीत जाओ तो जीत के जवाब मत देना, जीत से जवाब दे। वहां रुक करके उसको देखना, तब आपको आनंद आएगा। पीछे आपके अगर कोई बड़ा शत्रु है, इसका मतलब बड़ी जीत होने वाली है। मैं तो यही सोचता हूं कि जिंदगी जब भी धक्का दे तो संभलो, क्योंकि गति बढ़ने वाली है आगे बढ़ने की। ये जी आज की जो नीति है, जीवन की बहुत बड़ी नीति है, जो आज की नीति है जीवन की बहुत बड़ी नीति है। क्योंकि कल क्या होगा, कल आप हो कि नहीं किसी को नहीं पता। तो जो कुछ करना है वो आज ही कर लो, जो कुछ करना है वो आज कर लो। लगता है हमें कि कल अच्छा आएगा, भरोसा नहीं है। जैसा आज होगा वैसा कल लौट करके आएगा। आज जियो, जम के जियो, थोड़ा बहुत नहीं, जम के। लोग बोले कि यार जियो तो ऐसा जियो, वरना मत जियो, तब तो बात है। मैदान में आए हो तो खेल दिखा के जरूर जाना, दर्शक बन के मत जाना। बड़ा व्यक्तित्व बनाना है अगर आपको, बड़ा व्यक्तित्व अगर आपको अपने आप में बनाना है, तो आपको अपने जीवन के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। कब से? आज से नहीं, अभी से, तुरंत। क्योंकि समय कम है अपने पास ना। पहले के लोग हजारों साल जीते थे, आज के लोगों की उम्र साल भर है, सालों में है, गिनती में है। तो आज से ही जीना है। इस नीति को अपने जीवन में उतार के आज से ही अपने अंदर बड़े बड़े परिवर्तन लाना है। जिस दिन आप बड़े बड़े परिवर्तन लाना प्रारंभ कर दोगे, जिस दिन से आप बड़े बड़े परिवर्तन लाना प्रारंभ कर दोगे, उसी दिन से लोग आपको चाहना पसंद करने लगेंगे। इसलिए आप कब तक इस दुनिया में किसी को नहीं पता, जो करना है आज कर लो। कल का किसी ने सूरज देखा नहीं, कल का कोई भरोसा नहीं। जितना विलंब करेंगे उतना खुशी में विलंब होगा। खुश मिजाजी रहे। जो यहाँ के आपके गालों के आत्मा के प्रदेश हैं शरीर के, उनको भी लगना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के पास आया हूं जो हमेशा खुश रहता है। कुछ लोग चेहरा लटकाए रहते हैं, ऐसा लगता है कि 5 किलो टमाटर यहाँ, 5 किलो आम यहाँ लटकाए, तो चेहरा भी सोचता हुआ कैसे आदमी को फंसाऊं। कभी हंसते नहीं, मुस्कुराते नहीं। ऐसे लोगों में गिनती ना आए, लोग बोले कि बहुत खुशमिजाज है, उसके पास रहो। जब ऐसा आपके लिए कॉम्प्लीमेंट आए तब समझना कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। शेष आगे देखेंगे भगवान महावीर स्वामी की। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।